की बार देखिए एक बड़ा इंटरेस्टिंग जो है, आप किसी चैनल ने इस पे एनालिसिस नहीं किए, हम लोगों को डिस्कस कर लेना चाहिए। जिस हिसाब से चीजें चल रही है ना, मुझे ये लग रहा है कि मुख्यमंत्री आदित्य ठाकरे बने, ये व्यक्तिगत और शिवसेना दोनों का बड़ा महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है और वो हर हाल में बनाना चाहेंगे। देखिए यहाँ पे एक चीज और है, बीजेपी अगर नहीं देगी ना, जरा सीटें आ जाने दीजिए, कहीं शिवसेना अगर उस कंडीशन में रही ना कि एनसीपी कांग्रेस ने सपोर्ट कर दिया, तो मुझे ये लगता है शिवसेना का पहला टारगेट ये है कि मुख्यमंत्री आदित्य ठाकरे बने और वहां पे फिर वही जो अभी बात हो रही थी कि स्वार्थ की राजनीति की, कोई भरोसा मैं नहीं करता हूं सर, जहां व्यक्तिगत राजनीति आ जाती है पद और प्रतिष्ठा का, तो वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ये इस ऑप्शन पे भी आप जो है इस पे हमको बात करना चाहिए, ये सारे ऑप्शन तलाशेंगे, सारी पार्टियां तलाशती हैं, ये भी तलाशेंगे जी। या तो देखिए, या तो शिवसेना ये बोल देगी अंदर खाते कहीं बैठ करके कि आप हमें नहीं दोगे तो हम उधर चले जाएंगे, तो मजबूर होकर इनको देना पड़े। लेकिन मुझे इस चीज पे अब लग रहा है कि कैसे भी करके शिवसेना इस चीज की कोशिश करे कि मुख्यमंत्री आदित्य ठाकरे बन जाए, ताकि उनका पॉलिटिकल करियर जो है फिक्स हो जाए, सक्सेसफुल हो जाए। और शिवम त्यागी जी, इसीलिए क्योंकि पहली बार इतने वर्षों में या देखा जाए तो शिवसेना का कोई शख्स चुनावी मैदान में उतरा है, तो इसके पीछे की रणनीति जाहिर तौर पर एक युवा उस परिवार से आगे आए, और जाहिर तौर पर अगर वो ना चुनाव लड़े होते तो एक अलग बात होती कि ठीक है मुख्यमंत्री जो भी जिस भी पार्टी का रहे, मगर उनके परिवार का एक शख्स, और जैसा कि संकेत कई बार उनकी तरफ से मिले, आपको नहीं लगता तो बड़ा प्रेशर होगा बीजेपी के ऊपर इस बात, फॉर्मूला क्या निकलेगा? स्वागत करते हैं हम उनका, और मैं कहता हूं इस देश की व्यवस्था में हर किसी को चुनाव लड़ने का पूरा अधिकार है, और आदित्य ठाकरे जी लड़ रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। हमारे तो अलाय पार्टी है और हमेशा से हमारा पुराना स्ट्रेटेजिकल गठबंधन रहा है। आपने एनसीपी और कांग्रेस का कहा, आप अभी लिखवा लीजिए, कहे तो मिठाई मंगवा देता हूँ, मिठाई मंगवा लीजिए, डबल डिजिट तो पहुंचे वो, अरे पूरे पांच साल निकले नहीं। मैंने एक कंडीशन बताई है, मैं क्या कहता हूं, अगर ये फार्मूला बन के रेडी होता है, आपका लॉजिक का समर्थन करता हूं। देखिए इन लोगों का वहां ठाकरे मुख्यमंत्री, मैं आपकी हाइपोथेटिकल सिचुएशन को मानता हूं कि ठीक है आपका अपना एनालिसिस है, क्या है कि ये ख्याली करता हूं, लेकिन ये अब मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि वो जो मंत्री ने बोला, मैं क्या कहता हूं, पैटर्न कोई भी जवाब है, वोट बीजेपी को जाएगा, सरकार की सरकार की माहौल बना रहे हैं भैया, अभी तो अगर आप लड़ना चाहते हैं लड़ लीजिए, हाइपोथेटिकल नहीं है ये। जब एक व्यक्ति या एक पार्टी के नेता जाकर संगठन के लिए जनता के लिए सड़क पर रहकर काम करते हैं तो कॉन्फिडेंस बोलता है। वोट किसी ने नहीं गिने, वोट आपने गिने हैं क्या? वोट आपने गिने कांग्रेस के, एनसीपी के गिने नहीं, गिने ना आपने, वोट किसी ने नहीं गिने, लेकिन हमारे काम पर हमारा विश्वास है, हमारे काम पर हमारा विश्वास है। जब लोग जनता के बीच में गए नहीं तो वोट कहां से पाएंगे भाई? सर सिद्धांत परक बात करिए, हाइपोथेसिस, बिल्कुल हाइपोथेसिस तो आप ही कर रहे हैं, आप ही ने शुरू किया, अरे आप ही ने हाइपोथेसिस शुरू किया ना। मैं आपको सिर्फ ये कहता हूँ, आप उनको आने तो दीजिए डबल डिजिट, अरे हम हार नहीं करते, हम तो वो पार्टी है जो पूरे देश, अरे हम तो वो पार्टी है जो इस देश में सबसे ज्यादा विपक्ष में रहे, हमें विपक्ष का पार्ट नहीं बनना, तो हमने सम्मान किया उसका, हमने सम्मान किया, अरे हमने सम्मान, अच्छा 2019 सबसे नया भूल गए, सबसे नया भूल गए 2019 भूल गए, 2019 भूल गए क्या बताइए, 2019 भूल गए, 2019 भूल गए, नहीं भूले, अरे पूरे देश में भूला नहीं है, आप चिंता मत कीजिए, मैं क्या कहता हूँ, मानो आपके हारने जीतने से मुझे मतलब नहीं है, बिल्कुल, लेकिन आपके आंकड़े, मैं क्या कहता हूँ, छत्तीसगढ़ में आप जो आंकड़े दे रहे हैं ठीक है, आपका विश्लेषण है, आपने किया, मैं उसका सम्मान करता हूँ, लेकिन मैं भी आपको बता रहा हूँ और मैं भी अपना अनुभव और अपनी पार्टी की मेहनत बता रहा हूँ, महाराष्ट्र का देवेंद्र फडणवीस, वो तो सीट रिजर्व है, ठीक है, रिजर्व है, हाँ ठीक है, वो देखिए वही मैंने बोला ना कि इनके साथ की पार्टियां लड़े, लेकिन बात प्राइम मिनिस्टर मुख्यमंत्री जनता का निर्णय है, पार्टी कुछ नहीं करती, अरे पार्टी तो कांग्रेस भी चाहती है, कांग्रेस भी चाहती है, कांग्रेस भी चाहती है प्रधानमंत्री राहुल गांधी को बनाना बना पाएगा, अरे जनता खबर ले साहब, यहाँ एक मिश्रा डिसाइड नहीं करते, शिवम त्यागी नहीं करते, मेरे
करते भी नहीं करते, जनता डिसाइड करती है तो करने दीजिए, और जनता के बीच में हम रहे उसी दिन ज्यादा दूर नहीं है। मिश्रा जी, मिश्रा जी इसको रिकॉर्ड कर लीजिए, 24 तारीख को आपको मिठाई खिलाने जरूर मोदी सरकार में आप बताएंगे। लीजिए अगर वो इक्वेशन भी कहीं हो गया ना तो 24 तारीख को रिकॉर्ड करने से पहले ही आपने अगर लगा दिया तो होगा नहीं ना, अगर में तो अपने आप ही हजार सवाल है। जब मैं कह रहा हूँ तो क्या के जाओ ना, मैंने ईवीएम चेक नहीं किया है, जैसे आप कर किसी ने चेक नहीं, मेरी चीजें हाइपोथेटिकल है, मैंने कोई आप फैक्ट बता रहे हो। ये सवाल संजय द्विवेदी जी कुछ कहना चाह रहे हैं। संजय द्विवेदी जी ये सवाल सिर्फ हमारे इंटरेस्ट का नहीं है, हमारी दिलचस्पी नहीं है, जनता भी, महाराष्ट्र की जनता भी जानना चाहती है। और बीजेपी के सहयोग से अमित ठाकरे जी, बस ये हुई बात, बिल्कुल जय श्री राम, बहुत बढ़िया। हमारा जो गठबंधन चल रहा है संजय जी, शिवसेना के कितने मंत्री हैं मोदी सरकार में अभी? अब आप दिखेंगे सर, शिवसेना के कितने मंत्री हैं मोदी सरकार में? तो साफ साफ संजय द्विवेदी जी ने ये कह दिया कि बीजेपी के सहयोग से आदित्य ठाकरे मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। मैंने क्या कहा संजय जी, जवाब देंगे इस बात का? पहली लाइन अगर आप लोग क्यों नाराज थे? शपथ ग्रहण का अधिकार है, मेरा भी अधिकार है, और दूसरी तरफ एक मिश्रा का भी अधिकार है एनालिसिस करने का। आप बिल्कुल ले सकते हैं, पहले कहा उनका अधिकार है, आप अपने आप एक अधिकार कह रहे हैं, अधिकार मैंने कहा मेरा अधिकार है, मेरा अधिकार है, मेरा अधिकार है देवेंद्र जी के लिए, उनका अधिकार बिल्कुल आदित्य ठाकरे के लिए, आपका भी स्वागत है, आपकी सहयोगी आप हमें बताएंगे 30 साल से सहयोगी। भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना का सास बहू का झगड़ा है, हम पूरे पूरे 5 साल लड़ेंगे आपके और साथ रहेंगे, किसी और को नहीं लाने देंगे, सीरियल बनाएंगे। जो पहले सास बहू सीरियल बनाते थे वो चले गए, उससे बड़ा सीरियल आप बनाएंगे, बनाते थे वो चले गए, चिंता मत करिए, आप सीरियल बनाने वाले लोग नहीं। मैं आपकी तरफ वापस आ रहा हूँ, मैं आपकी तरफ वापस आ रहा हूँ, मगर 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 शिवसेना के प्रवक्ता के तौर पर संजय द्विवेदी जी ने बात कही है, वो एक बड़ी बात कही है। सीरियल मुझे लगता है, ठीक है मैं